दोस्तों, हिंदू धर्म में रामायण के पाठ का बहुत ही ज्यादा महत्व है, लेकिन रामायण के पाठ को लेकर कई नियम भी बने हुए हैं। ऐसी मान्यता है फ्रेंड्स कि रामायण का पहला और अंतिम कांड बाद में जोड़ा गया है, ये पहले से रामायण का हिस्सा नहीं था। साथ में ये भी कहा जाता है कि रामायण को पढ़ते वक्त लवकुश वाले कांड को नहीं पढ़ा जाता है। क्या है पूरी सच्चाई, चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बतलाते हैं। दोस्तों, रामायण एक बहुत ही प्रभावशाली धार्मिक पुस्तक है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र का जीवन चरित्र का वर्णन इतना खूबसूरत है कि लोगों में भगवान श्री राम जैसे गुण आए, इसके लिए घरों में रामायण का पाठ कराया जाता है। लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार रामायण के पाठ के समय कुछ बातों का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए, वरना पाठ करने का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होती है। दोस्तों, रामायण में 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। रामायण का अंतिम कांड है उत्तर कांड, जिसमें आदि कवि वाल्मीकि जी ने रावण तथा हनुमान के जन्म की कथा, माता सीता का निर्वासन, राजा निर्ग, राजा निमि, राजा ययाति तथा राम राज्य में कुत्ते का न्याय की उपकथाएं, लवकुश का जन्म, श्री राम के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान तथा उस यज्ञ में उनके पुत्रों लव तथा कुश के द्वारा महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण गायन, माता सीता का धरती में समा जाना, लक्ष्मण का परित्याग और भगवान श्री रामचंद्र का सरयुग नदी में जल समाधि ले लेने इत्यादि का वर्णन किया गया है। उत्तर कांड को लेकर कई तरह के विवाद भी हैं, क्योंकि माना जाता है कि उत्तर कांड मूल वाल्मीकि रामायण का हिस्सा नहीं है और इसमें कई कहानियां बाद में अलग अलग लेखकों द्वारा जोड़ी गई है। और चलिए अब आपको बतलाते हैं कि रामायण में सुंदर कांड का पाठ क्यों किया जाता है। दोस्तों, रामायण के इन सारे कांडों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कांड सुंदर कांड है। रामायण पाठ में इसका बहुत ही विशेष महत्व है। सुंदर कांड में हनुमान जी के महान कार्यों जैसे कि हनुमान का लंका प्रस्थान, लंका दहन से लंका से वापसी, विभीषण से भेंट, सीता से भेंट, उन्हें श्री राम की मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन इत्यादि का वर्णन है। संपूर्ण रामायण कथा श्री राम के गुणों पर आधारित है, जबकि सुंदर कांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो सिर्फ हनुमान जी की शक्ति और विजय का कांड है। लेकिन अगर वाल्मीकि जी के रामायण की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि रामायण के अंतिम में कुछ और अध्याय बाद में जोड़े गए हैं, तो ऐसे में कई लोग लवकुश कांड को अंतिम कांड मानने लगे हैं। और चलिए अब बात करते हैं कि रामायण में कौन सा कांड नहीं पढ़ा जाता है। दोस्तों, जब घरों में रामायण पाठ किया जाता है तो अक्सर लोग बाद में रामायण के अंतिम भाग के रूप में जोड़े गए लवकुश कांड का पाठ नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि कई राम भक्त यह मानते हैं कि तुलसीदास जी की रामायण में उत्तर रामायण का जिक्र नहीं है, उत्तर रामायण का वर्णन वाल्मीकि जी की रामायण में था। उनका कहना है कि अपने शत्रुओं के साथ भी प्रेम सा व्यवहार करने वाले भगवान श्री राम किसी धोबी के कहने पर माता सीता का त्याग कर ही नहीं सकते। वाल्मीकि की रामायण के अनुसार अयोध्या में एक धोबी अपनी पत्नी का त्याग इसलिए कर देता है क्योंकि उसकी पत्नी एक रात नदी के दूसरे पार रह गई थी और इस प्रकार माँ सीता भी लंका में न जाने कितने दिन बिता कर आई थी। इसलिए राम जी ने धोबी की उस बात के कारण सीता जी को त्यागने का फैसला लिया था, तो लोग इसे मिथ्या मानते हैं। इसलिए रामायण का अंतिम कांड का पाठ घर पर नहीं किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।